बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया आज भी कई देशों से पीछे है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री की वैल्यू 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा की है और 2021-26 के बीच इंडिया के बैटरी मार्केट की CAGR ग्रोथ 30% रहने वाली है। चौंक गए ना इन आंकड़ों को जानकर। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको इस इंडस्ट्री के और भी अनछुए पहलू जानने को मिलेंगे और हम वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उससे जुड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर आपकी नॉलेज 4 गुना बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे निशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो ज्ञान प्रवाह, जहां बहती है ज्ञान की गंगा हर दफा। इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो अब भी नैसेंट स्टेज में है, मतलब ये कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंडीशंस है वो अब भी उतनी माकूल नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते 2-3 सालों में हालात बहुत बेहतर हुए हैं और उसके पीछे एक बड़ी वजह है। एक्चुअली इंडिया ने 2030 तक कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन तक कम करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए इंडिया को पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों से दूरी बनानी पड़ेगी। मतलब ये कि पूरा फोकस अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर होगा और यही बदलाव इंडिया की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक वरदान साबित हुई है। बता दें कि करेंटली ज्यादातर बैटरीज चाइना से इंपोर्ट की जाती है और ये इंपोर्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को महंगा बना देती है। अब जब इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नए युग में प्रवेश कर रहा है, घरेलू स्तर पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यही वजह है कि अब स्थानीय स्तर पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया में बड़े पैमाने पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकेगा और कस्टमर्स कम दाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सकेंगे। साथ ही दूसरे देशों के साथ जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसीज है वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। मतलब ये कि हमें बैटरियों के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हाल के दिनों में सरकार ने कई ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिल रही है। नवंबर 2020 में सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए करीब 3,00,000 करोड़ से भी ज्यादा के इंसेंटिव्स की घोषणा की थी। इन इंसेंटिव्स में करीब 19,000 करोड़ रुपए एडवांस सेल केमिस्ट्री पर खर्च किए जाएंगे, यानी कि आने वाले वक्त में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बता दें कि इस इंसेंटिव प्रोग्राम के अलावा सरकार ने वर्ष 2019 में भी एक बड़ा कदम उठाया था। सरकार ने बैटरी और ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। सरकार ने इसके जरिए देश के अलग अलग कोने में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने का लक्ष्य रखा था। यही वजह है कि आज इस क्षेत्र में कई नई कंपनियां कदम रख रही हैं। इंडिया जो है वो दुनिया के टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट में से एक है और यही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021 में 2,26,00,000 से भी ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां और 6,24,000 से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां बनाई गई, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। और यह भी एक सच्चाई है कि आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल सेल्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। वैसे भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की 30% से ज्यादा सप्लाई OEMs यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को की जाती है और जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, यह सप्लाई 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती है। इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं। एक्साइट, टाटा ग्रीन और अमर अजा बैटरीज जैसी कंपनियों के अलावा कई बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बाजार में मौजूद हैं। वहीं ईवी सेगमेंट में आ रहे बूम को देखते हुए रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख रही हैं। ये कंपनियां लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेस्ट फिट साबित होंगी। यहां बताना जरूरी है कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स में 75% लेड एसिड बेस्ड बैटरीज यूज किए जाते हैं। हालांकि अब कंपनियां सरकार के फेम स्कीम के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स का लाभ लेने के लिए लिथियम आयन बैटरीज पर फोकस बढ़ा रही है। फंडा सिंपल है, अगर देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बनी रहेगी तो ऑटोमोटिव बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बना रहेगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में करीब 1,34,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची गई थी। वहीं 2022 में आंकड़ा बढ़कर 4,29,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक पहुंच गया और जिस तेजी से वित्तीय वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों बिक रही है, इस बात की पूरी संभावना है कि ईवी सेल्स में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया जा सकता है। संकेत साफ है, इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है।
तो ये था बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा खास वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।